हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है हमारे इंडिया इस कंट्री में, इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ है 21 डेज के लिए, इसकी वजह से कितने सारे बिजनेसेस के ऊपर इफेक्ट हुआ है, कौन कौन से इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ है, इवन हम बोल सकते हैं ग्लोबली इसका कौन से बिजनेस पे इफेक्ट हुआ है। और इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कोरोना वायरस की वजह से, इस पैंडेमिक डिजीज की वजह से ऑल ओवर ग्लोबली कौन कौन से बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो हम इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल ओवर ग्लोबली हर एक मैक्सिमम कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ है, और इस वजह से हर एक इंडस्ट्री जो भी बिजनेस है उसको काफ़ी हद तक इफेक्ट हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे जैसे 5 टॉप इंडस्ट्री, 5 ऐसी बिजनेस जिसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जिसमें बहुत मैक्सिमम टाइप का इंडस्ट्री, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबली ये जो इफेक्ट इसका हुआ है बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो, इसलिए हर एक ने अपना कंट्री में आने और जाने का जो फैसिलिटी है, जो लोगों का आना जाना है, वो बंद कर दिया है। इसकी वजह से हुआ है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ये ऐसी कंपनी है जिसको काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, क्योंकि जब तक ये डिजीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा तब तक इस कंपनी को बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक लॉस होने वाला है। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं ट्रैवलिंग बंद होने की वजह से किसी भी कंट्री में आना जाना नहीं हो सकता, इवन इंडिया के अंदर यानी कि डोमेस्टिक के अंदर इस ट्रैवलिंग और टूरिज्म को बंद किया गया है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर नहीं जा सकते, इसकी वजह से टूरिस्ट एंड ट्रैवलिंग जो कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे टूरिज्म और ट्रैवलिंग के अलावा बोल सकते हैं कि रिक्शा वाले, इवन डोमेस्टिक लाइन में रिक्शा है, ऊबर है, यहाँ की बसेस है, ऑटो है, उस सारे लोगों को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस कोरोना वायरस की वजह से। इवन लॉकडाउन ने बहुत सारे बिजनेसेस को काफ़ी हद तक गिरा दिया है। अब हम सेकेंड इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसको भी काफ़ी हद तक काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सेकेंड जो बिजनेस है वो है फूड इंडस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से कोई भी फूड इंडस्ट्री अपना काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस को बंद करना है तो लोगों का क्राउड कम होना ज़रूरी है, और फूड इंडस्ट्री ऐसी लाइन है जहाँ पर लोगों के क्राउड हमेशा रहते हैं। अब अगर हम फूड इंडस्ट्री बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे आप जैसे जानते हैं कि सारे बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पे लोग काफ़ी क्राउड होते हैं, लोगों का आना जाना होता है, वो सारे होटल्स बंद कर दिए गए हैं। इंडिया में भी ऐसे बड़े बड़े होटल्स सारे बंद करवा दिए गए हैं। अब हम बात करें कि फूड इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे जैसे कि बिजनेस आते हैं, जैसे कि हम रेस्टोरेंट है, होटल्स है, और रेडी वाले हैं, स्ट्रीट फूड है, इन सबको भी काफ़ी हद तक भारी मात्रा में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बिजनेस टोटली बंद हो गए हैं, उनको अपने बिजनेस लगाने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो इस वजह से फूड इंडस्ट्री भी काफ़ी लॉस में जा रही है इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस की वजह से। अब हम बात करेंगे थर्ड इंडस्ट्री का जिसका नाम आता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री टोटली पूरी तरह से ऑनलाइन ऑपरेट होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना वायरस का स्प्रेड और न बढ़े, इस वजह से गवर्नमेंट ने जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सारे बिजनेसेस की जो वेयर हाउस है जहाँ पे प्रोडक्ट आता है, वहाँ से डिलीवर होता है, वहाँ से पिकअप होता है, वो सारे वेयर हाउस बंद कर दिए। साथ ही साथ में सारे कैसे हम बोल सकते हैं कि जो कुरियर जो डिलीवरी होता है, जो कुरियर की सर्विसेज है, वो सारी बंद कर दी गई ताकि लोगों के कॉन्टैक्ट ना बढ़े। और ये सब बंद होने की वजह से क्या हुआ है कि जो अमेजोन के प्रोडक्ट है वो पिकअप हो भी नहीं पा रहे और वहाँ से डिलीवरी भी नहीं हो पा रहे। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब तक ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को भी काफ़ी हद तक नुकसान झेलना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ इंडस्ट्री की जिसको भी काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। फोर्थ इंडस्ट्री है सुपर मार्केट एंड मॉल्स, और वी कैन से फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री, सुपरमार्केट एंड मॉल, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जहाँ पे मॉल्स हैं वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे सिनेमा घर हैं। तो जिस आपको जानते हैं, आप जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस ना फैले, उस वजह से मॉल्स भी सारे बंद हैं, सारे सुपरमार्केट बंद से, और यहाँ तक कि सारे थिएटर्स भी बंद हैं, और इस वजह से सारे लोगों को काफ़ी हद तक इसका लॉस उठाना पड़ रहा है। इसमें यह हो रहा है कि सुपर मार्केट में जितने भी छोटे बड़े बिजनेसेस हैं, छोटे बड़े दुकानें, उन सबको भी अपना लॉस झेलना पड़ रहा है।
और एक काफ़ी हद तक जब तक ये बंद ना हो तब तक उन सबको अपनी दुकानें बंद करनी होगा, फिल्म थिएटर्स नहीं चलेंगे, कुछ मूवीज नहीं चलेंगी, आपको सब घर पर बैठना है। अब हम बात करेंगे पांचवे ऐसे बिजनेस की जिसको काफ़ी हद से स्टार्टिंग से ही बहुत नुकसान हो रहा है जब से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, और लॉकडाउन के बाद तो और ज़्यादा इसको नुकसान हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, जो कि शेयर मार्केट है। अब जैसे जानते हैं कि जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है एक ग्लोबली स्टॉक मार्केट बहुत हद तक नीचे गिरा हुआ है और काफ़ी हद तक नीचे गिरता ही जा रहा है। जब तक कि कोरोना वायरस पूरी तरह से बंद ना हो, हर एक बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है और हर एक बिजनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर एक बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉसेस हो रहे हैं, टूर एंड ट्रैवलिज्म, फूड इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसका टोटली डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट को लेकर। तो स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक नीचे गिरा है पिछले 15 से 20 दिनों में। अब हम यही होप कर सकते हैं कि जैसे ही ये कोरोना वायरस का स्प्रेड खत्म हो जाएगा, 21 डेज का लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं ये सारे सेक्टर्स में रिकवरी होने के। थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।